हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, अभी श्रवण मास चल रहा है और आज बाबा से थोड़ी शिव जी के बारे में हम जानकारी लेंगे। गंगा तरंग रमणे जटा कलापम गौरे निरंतर विभोषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज वेश्वनाथं तार्तिकेन नयनेन मम कामं शेषाञ्जिगायतपुरास्य कुतूहलेन वैकुण्ठनाथ परिपूजितपादपद्मं तं चन्द्रशेखरमहं शिरसा नमामि। गुरुबाल कृष्ण भगवान की जय। भोले भोले बाबा की जय। आज शिव जी के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। शिव जी को कैसे नाग डमरू त्रिशूल और त्रिपुंड और नंदी कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में जानकारी कर रहे हैं कि शिव जी का त्रिशूल, भगवान शिव जी का ध्यान करने मात्र से मन में एक छवि उभरती है, जो एक वैरागी पुरुष की इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिसमें गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव जी के साथ सात चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवलिंग में शिव जी के साथ सात चीज़ें जरूर मिलेंगी। आइए जानें शिव जी के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी के से कैसे जुड़े, या यह शिव जी के साथ ही प्रकट हुए थे, या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव जी से जुड़ने के लिए आए। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्र का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। फिर चला गया यार। त्रिशूल त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी के शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा गया था और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी को मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज तम सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। ये तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण कर लिया। यह त्रिशूल का वृत्तांत और कथा है। शिव जी का डमरू कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। ये प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप बैरागी का है तो दूसरा भोगी का है, जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है, इसलिए शिव के लिए सबसे उचित वाद्य है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है।
भगवान शिव के हाथ में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि से संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग क्यों है, इसका भी वर्णन है। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भात लिपटे रहने का वरदान दिया। यह नाग का प्रकरण है। नंदी भगवान कैसे वाहन बने। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और भगवान शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा की है कि विशालाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंशज समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहते थे। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और प्रखर रूप में शिव का वाहन बने। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ नंदी भगवान को। शिव जी के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुंचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं से हुआ। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते हैं। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को 6 होने का श्राप दे दिया। इस श्राप बचाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दे दिया। जब चंद्रमा ने तपस्या की तो वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के हिसाब से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। शिव के माथे में त्रिपुंड कैसे आया। भगवान शिव के माथे पर बहुत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि ये तीनों लोगों का प्रतीक है। इसे रज तम और सब गुणों को भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव के माथे पर भूत की ये 3 रेखाएं कैसे आई इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव का रूप धारण किया और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगे। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इसी तरह सती की याद को त्रिगुंड रूप में माथे पर स्थान दिए। शिव की जटाओं में गंगा कैसे आई। भगवान शिव के माथे पर गंगा विराजमान है। इस घटना के संबंध में राजा भगीरथ ने माना जाता है कथा कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों की मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा, लेकिन यह कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिससे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी
मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर आ जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग में धरती पर आने के लिए कहा, लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। तथा ये भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर विलीन हो गई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव जी के बारे में जानकारी लेते हुए जय श्री कृष्ण।